फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, विलेज पौली, सरधना रोड, मेरठ। संपत्ति के लिए क्या पिता को मौत के घाट उतारा जा सकता है? स्वयं को निर्दोष दिखाकर खुद ही रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है? ये सवाल निश्चित रूप से मस्तिष्क को झकझोर देने वाले हैं, लेकिन मेरठ में एक बेटे ने ऐसा कर दिखाया। यहाँ बात हो रही है टीपी नगर थाना इलाके के महावीर हॉस्पिटल के मालिक यशपाल की हत्या की। इस हत्या को अंजाम यशपाल के बेटे ने ही दिलवाया था। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। आपको याद होगा कि 30 जून को यशपाल की उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब वह पासे स्थित अपने धर्म कांटे पर सो रहे थे। उन्हीं का महावीर हॉस्पिटल भी है। हत्याकांड का खुलासा खुद एसपी सिटी विनोद भटनागर ने किया है। एसपी सिटी ने आज मीडिया को यह जानकारी दी। देखिए, पहले मैं आपको संक्षेप में इस घटना के बारे में बता दूं। हमारे बहुत से मित्र तो वहाँ पे गए थे पत्रकारों। ऐसा 30 तारीख की भोर में यानी 29/30 की रात्रि में महावीर हॉस्पिटल के जो संचालक हैं वासु स्वामी चौधरी यशपाल सिंह की हत्या अज्ञात हमलावरों ने कर दी थी। उनके बेटे नरेंद्र, इनके 4 बेटे, उनके बेटे जो दूसरे नंबर के जो हॉस्पिटल चलाते थे, उन्होंने इस घटना की एफआईआर लिखाई थी और बताया था कि उन्होंने लगभग 11 बजे और फिर 1 बजे जाकर के जो है उसको देखा भी था। वो वहीं बगल में धर्म कांटे में सोते थे और उनका कहना था कि इसके बाद में किसी के द्वारा उसकी हत्या करी गई। पुलिस ने इसमें बिल्कुल प्योरली ब्लाइंड केस था। शुरू से ही कुछ उनको संकेत मिलने शुरू हो गए थे और जो बगल में हॉस्पिटल था उस हॉस्पिटल की कब्जेदारी को लेकर, कौन उसको संचालन करेगा, इसको लेकर बहुत सारी लाइनें इसमें चल रही थी कि पुलिस किस प्रकार से जो है इसका खुलासा करती है। हमने कुछ CCTV की मदद ली, कुछ सर्विलांस की मदद ली और अथक परिश्रम जो हमारी सर्विलांस की टीम ने और थाना टीपी नगर की टीम ने किया है, SOG टीम ने, उसके आधार पे इस घटना का खुलासा हुआ है। मुझे बताते हुए आपको हर्ष हो रहा है कि इसमें घटना में शामिल जो मोटरसाइकिल है उसकी बरामदगी हुई है, घटना में जो असलाह प्रयुक्त हुआ था उसकी बरामदगी है, कारतूस बरामद हुए हैं और साथ ही साथ इस घटना का पूरी तरह खुलासा हो गया। तो हॉस्पिटल में काम करने वाला एक व्यक्ति मोनू उर्फ मुनव्वर, जिसकी मदद से मृतक के बेटे वादी नरेंद्र सिंह ने स्वयं ही जो है इस घटना को जो है वो पूरा प्लान किया और इस घटना को अंजाम दिलवाया। इसमें मुनव्वर का के ही गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम है आलम के द्वारा जो कुछ पैसे का लेन देन था उनके बीच में, उसको पैसे की आवश्यकता थी और वो घटना करने को राजी हो गया और इसको इसकी तमाम कड़ी से कड़ी जोड़ करके जो है पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया है। और घटना में जैसा कि मैंने आपको बताया, मोटरसाइकिल, असलाह और जो CCTV में जो व्यक्ति आया है जिसने शूट किया है, उसकी पहचान थी, उसका हेलमेट, उसकी टी शर्ट, ये सबको बरामद किया है और इस प्रकार इस घटना का पूर्ण रूप से खुलासा हुआ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।